आप बताएं मुझे क्यों फोन किया था आपने? क्या मुझे उससे बात करने का कोई हक नहीं है? लेकिन पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको बात क्या करनी थी। सच सुनना चाहोगे? झूठ मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। किस अंदाज से तुम उससे बात कर रहे हो? हाँ, क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया? आप सबने मिलके मेरे खिलाफ महाज बना लिया। कैसे? मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरी जिंदगी, मुझे अपने तरीके से जीने का हक देने को तैयार क्यों नहीं आप लोग? एक मिनट, तुम बैठो यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं बैठना। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं? फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है। और मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ जो बस जिद करने में लगा हुआ है। लेकिन मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ। अब प्लीज मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपको फारिया से क्या बात करनी थी। देखो दानियाल, हम सबका यही ख्याल है कि तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, और शायद वो भी। देखो, जिंदगी की हकीकतें बहुत तल्ख हैं। बातें करने में तो सब बहुत खूबसूरत लगते हैं, जब साथ चलो तो पता चलता है कि हर कदम पर पहाड़ है। तुम खुद ही सोचो, वो इतने बड़े घर की लड़की, इतने आजाद ख्याल की, हमारे घर आकर हमारे मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारेगी? इसकी आप लोग फिक्र ना करें, वो यहां नहीं आएगी। सही बात है। तुमने कुछ किया इस सिलसिले में कि नहीं? पर जो दानियाल भाई नहीं अभी तक? नहीं, वो आता ही होगा। तुम जाओ, जाके सो जाओ। नहीं, वो आएंगे तो फिर सोऊंगी मैं। क्या अभी तक दानी नहीं आया? इतनी रात हो गई है भाई, फोन भी बंद जा रहा है। जी, वो ऑफिस से अभी तक नहीं आए। आप सब लोग उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? वो आप सबसे नाराज है। फारिया इतनी अच्छी लड़की है। बेटा, ये आपके कहने की बातें नहीं हैं। बच्चों को बड़ों के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। आप जाइए अपने कमरे में। दिमाग खराब हो गया है सबका। अब कल के बच्चे हमें समझाएंगे कि बड़ों से कैसे बात करनी है, हैं? क्या बोलूं भाई साहब, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। हद होती है बदतमीजी की। साहबजादे ने ये तमीज सीखी है कि घर में दाखिल हुए न दुआ न सलाम। देख रही है मुसर्रत,